सब कुछ है, एक मंदिर है, आनंद अंदर है, प्रेम बिना नहीं प्रभु मिलता, प्रेम ही सब कुछ है, एक मंदिर है। जिसने प्रभु से लगन लगाई, उसने नैया पार लगाई, जिसने प्रभु से लगन लगाई, उसने नैया पार लगाई, क्या होती है नाम कुमारी कोई जाने रे, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, प्रेम बिना नहीं प्रभु मिलता, प्रेम ही सब कुछ है, एक मंदिर है। कपटी और मक्कार, कपटी समझना उसको, मक्कार समझना,
झूठा समझना। जो बोलता है मेरे को प्रेम तो लग गई है परमात्मा की और मेरे को संसार भी दिखाई देता है, तो समझ लेना उसको प्रेम अभी लगा नहीं, सच्चा प्रेम नहीं लगा है, परमात्मा से प्रेम नहीं लगा है। उसका प्रेम तो माया से ही है, अंदर जो है मन हेड़ लिया माया ने और बोलन भई राम, तुम्हारे मुख से तो हरे राम राधे श्याम सीताराम बहागो हरिओम हरिओम निकलता है, लेकिन मन में जो है माया ने ऐसी रस्सी बांध के रखी है, किसी का मन औरत में फंसा पड़ा है, औरत के साथ बोलता है मैं जिंदा रह नहीं सकूंगा, डरते हैं इस शख्स से मत जाना। उल्लू पक्षी को कभी रोशनी अच्छी नहीं लगती, जैसे ही रोशनी सूरज की निकली है और उल्लू चिल्लाता है सूरज तुम क्यों निकला है, मैं सूरदास बन गया हूँ मैं देख नहीं सकता हूँ, मेरे को रोशनी अच्छी नहीं लगती है। ऐसी तरह से जब गुरु लाइट लाता है जो उल्लू होता है उसको अच्छी नहीं लगती है, ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो जग्यासु होता है सच्चा जग्यासु होता है वो तो गुरु से पहले ही पूछता है मेरे को वैराग्य कैसे, मेरे को ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मेरे को मुक्ति कैसे मिले, लेकिन तुम्हारा प्रश्न क्या होगा मेरी हेल्थ कैसे ठीक हो, मेरे को बच्चा खराब हो गया वो कब ठीक होगा, मेरी तंदुरुस्ती कब ठीक होगी, मेरा ये कैसे होगा, तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी फिर मर जाएगा, उम्र तुम्हारे को आयु बड़ी भी मिल जाएगी फिर मर जाएगा, सब कुछ मिलेगा इंद्र का सुख भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, नेम मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, सब कुछ तुमको मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम्हारे भीतर में ऐसा कोई गुरु नैराग की आंख दे आग लगाए ये तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए, गुरु की जरूरत तब पड़ती है जब तेरे को आग लगाते, तुम्हारा मन जो बैड़ा है उसको सुचाग करे, रोज जागृत करे, कहाँ जाता है अभी तक माया में जाता है, कितने दुख की बात है 50 बरस के बाद भी तो हम देखता है सब माया के पीछे दौड़ भाग कर जाते हैं, 60 बरस का हो गया भाई कहाँ जाते हैं, बोलता है पेट के लिए जाता हूँ, अरे इतना पैसा तेरे पास है दाल रोटी खाने की है क्या, तुमको नया शादी करने की है, शराब पीने का है, सिनेमा में जाने का है, भोग भोगने का है, मजा लेने का है, तो इधर आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, के लिए इधर आते हैं, किसने तुमको खुलावा दिया, इधर तो वो आए राजा जनक बन के आए, जब उस मंदिर में खटाई आए थक जाए जैसे हरण घूम घूम के थक जाता है, हैरान परेशान हो जाता है, बोलता है मेरे को खुशबू आती है कस्तूरी मालूम है कौन है, कस्तूरी की खुशबू आती है, जब थक के परेशान होके एक जगह बैठता है तो बोलते हैं कस्तूरी तो नाम ही नहीं है, ऐसी तरह से आनंद जो अंदर ही है, तुम आनंद को पैर ढूंढता है, पैर तुमको सुख जरूर मिलेगा लेकिन ये सुख आने और जाने का क्षण थोड़ी टाइम के लिए, और जिसने भी थोड़ा सुख लिया है जिसने भी मजा लिया है उसको सजा जरूर मिले, किन मिंटन काकर साड़ी उम्र तो पान खुशी सा खाड़ी, अरे खुशी से तुमने अपनी उम्र को चक्कर खत्म कर दिया, 4 मिनट का 3 मिनट का 5 मिनट का सफर तो लिया लेकिन सारी उम्र तुम जैसे कोलू का पहल होता है पट्टी बांध के उसको जलाते हैं, 60 बरस में 65 बरस में 70 बरस में 75 बरस में भाई कहाँ जाता है, बोलता है मैं कोलू का पहल बन गया हूँ, मैं मेरे को कोई इजाजत नहीं है, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं आजाद नहीं हूँ, क्योंकि तेरे अंदर इच्छा मोह लगा, ये इच्छा और मोह ऐसा बंधन है ऐसा छुपा हुआ है जिसे राख में अंगारा लगा हुआ है, चला हुआ अंगारा बैठ से राख दिखाई देती है, जैसे माता के गर्भ में बच्चा बंद पड़ा है बच्चा अंदर दिखाई नहीं देता है, ऐसी तरह से ये इच्छा और मोह तुम्हारे भीतर में छुपा हुआ पड़ा है, गुरु तलवार लेके बोलते हैं ज्ञान की तलवार लियो और काम को काटो, काम मीन्स इच्छा, बिगड़ ज्ञान से ये इच्छा कभी नहीं जाती है टूटती नहीं है, बार बार होती है, तुम्हारी 1,00,000 इच्छा पूर्ण हो जाएगी 2,00,000 इच्छा हो जाएगी, कभी तृप्ति नहीं आती, मंच अंतर कर जहाँ होता है वह सोरा होती है, अनपुड़ाई होती है,
कभी भी कुड़ाई नहीं आती है। सभी गुरु नानक साहब ने बोला राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सारे सृष्टि का भी मैं तेरे को मालिक बना दूंगा, सारे सृष्टि का। अरे एक बंगला क्या लाख बंगला तुमको मिल जाएगा, तेरे भीतर भी शांति। सोई सुखिया जिसे ना आता, तुम ध्यान हम तुमको जानता है, तुम कैसे मायावी लोग है, तुम भी पैसा लेके गुरु के पीछे फिरता है तो देखें गुरु काम करता है, काम बढ़ता है। लेकिन याद रखना सच्चा गुरु सजग रहता है, अपनी आत्मा में रहता है, तुमको भाला लगा के तुमको भी वसम करेगा। तो माया की बात कभी भी इधर नहीं करना, अपने उधार की बात करना। और फिर लास्ट में उनके कीर्ति प्रशंसा, बड़ा हाल बन गया, हजार शिष्य आ गया, वह गुरु तुम क्या नहीं, वह गुरु। हमारा दादा को जब कोई कीर्ति करता था तो उसको भाला लेके छाती में लगाता था, पेट में, खबरदार जो मेरे लिए तुमने कीर्ति किया है तुम कभी खुश होने वाला नहीं। हम तो खुश उसमें होता है जो मेरा वचन जाके कमाएगा और तुम कुछ बन के दिखाना। मैं सिर्फ देखूंगा तुम मेरे वचन के ऊपर मरा, मेरे वचन के ऊपर चला, तुमने जीवन में तब्दील लाई, चेंज लाई। जो तुम पहले था वही अभी है या तुम आत्मा में सजग हो गया, तुम मेरे जैसा बना, गुरु जैसा बना। गुरु उसमें राजी होता है जो गुरु का वचन कमा के गुरु जैसा बनता है। सच्चा गुरु उसमें राजी होता है, झूठा गुरु उसमें राजी होता है जो गुरु की जाके प्रशंसा की जाके करके बोलता है मैं कितना बड़ा गुरु बन गया, मैं वर्ल्ड का गुरु बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा गुरु बन गया। अरे बड़ा क्या छोटा क्या, कभी बोलता है बैठ क्या, नीचे क्या, ऊपर क्या, नजदीक क्या, दूर क्या, बैठ किथे है या अंदर किथे है, स्थूल किथे है या सूक्ष्म किथे है। तुम्हारा मन भी ऐसा इधर उधर हो जाएगा, इधर बहुत एकाग्रता चाहिए। गुरु भी तुमको देखे कि तुम्हारा मन किधर गया, बहुत आएगा तो तुम्हारा मन कुत्ता बिल्ला मारेगा अंदर, पता ही नहीं चलेगा किसको किधर चला गया तुम्हारा मन। नीचे टीका करता है, मारा जनक चवे तो तमाहाने जले आत्मा में स्थित आया। मारा जनक बोलता है जब मैं अभी आत्मा में स्थित हूँ तदे मुँह में वेचाई है उरन पैर है अंदर थुलाई है सनाई, न मैंने थुलाई है सनाई कही है, पर दरअसल स्थूल है सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म का दरअसल ऐसा होता है, स्थूल मीन्स ये बॉडी, सूक्ष्म मीन्स अंदर का जो शरीर है, तीन शरीर है, ऐसा नहीं है एक ही शरीर जो बैड से दिखाई देता है, एक शरीर है। बैड का शरीर तो जैसे जड़ है, लेकिन सारा कर्म अंदर से बनता है, द्वेष द्वेत क्या ही अंदर में इच्छा वासना चाहना ये सब अंदर का शरीर सूक्ष्म शरीर जो है तुम्हारे अंदर में है। बोलता है मेरे आत्मा में जो मैं स्थित हूँ तो सूक्ष्म कहाँ है, स्थूल कहाँ है, स्थूल शरीर कहाँ है, सूक्ष्म शरीर कहाँ है, वहाँ मन भी नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो गया, अंत्यकरण भी खत्म हो गया, कारण शरीर भी खत्म हो गया। कारण शरीर में सबके अंदर में इतना गहरा अज्ञान भरा पड़ा है, इतना अंधेरा है, इतना अज्ञान है कि हर एक को पता है। अभी तुम जितने लोग बैठे हैं तुमको पता है ना मैं मर्द हूँ, तुमको पता है मैं मर्द हूँ, तुम मतलब अंदर में जानता है मैं मिस्टर हूँ। और जितनी औरत बैठी है उसको पता है मैं मिसेज हूँ, जितनी विडो बैठी है उसको पता है मेरा मर्द मर गया, और जितनी मिस बैठी है उसको पता है मैं मिस हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन मिस्ट्री को कोई नहीं जानता। उजाड़ा तमा वो आया जो कहके समझ में ना आया, केर जानी दो सगे तो केर आए आत्मा, कर्म कंदे कर्म का दुनिया डो आया। कौन जान सकता है मैं कैसी आत्मा हूं, जो बैठ से मैं कर्म करता भी हूं लेकिन कोई भी कर्म मेरे खाते में नहीं आता है। गीता का उत्तम में उत्तम श्लोक भगवान का है, बोलता है मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है, कोई नहीं जान सकता। मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है, मीन्स मैं जन्म में नहीं आया हूँ। तुम तो आज तक भी भगवान कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं और वो बोलता है मैं कभी पैदा हुआ ही नहीं, मैं पैदा हुआ हूँ
और नहीं वो मरता है, लेकिन अज्ञानी लोग को ये बड़ी खुशी होती है। तो मैं भगवान कृष्ण का जन्म मनाता हूँ, तो जो जन्म मनाएगा तो वो मौत भी जरूर मनाएगा, ब्राह्मण पे तर भी खिलाएगा। वो बोलेगा मेरा मर्द भी मर गया, मेरा पाप भी मर गया, वो नरक में पड़ा है, कुंभी पाक नरक में जा रहा है, इसलिए ब्राह्मण को मैं जूता भी देता हूँ, छतरी भी देता हूँ, छतरी भी देता हूँ। उसको छतरी देता है कि मेरे बाप को जो है ऊपर न गर्मी न लगे, अभी गर्मी का सीजन आता है, और नीचे जो है पांव भी चलता है, तो जूता उसको अच्छा दिला भी देता हूँ। अभी जूता भी अच्छा महंगा वाला बोलता है, 100 वाला जूता चाहिए, तो 10 रुपए वाला नहीं चाहिए। ब्राह्मण को भी तुम्हारे अंदर का मालूम पड़ गया है, कितना तुम्हारे भीतर संसार भरम पड़ा है, लेकिन इस ज्ञान से तुम्हारा सब संसार भरम उतर जाता है, मौत ही नहीं। नोटे मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म ऐसा दिव्य है, ऐसा दिव्य है, जो मैं कर्म करा कर पहने कर। आत्मा का कोई भी कर्म टच नहीं होता है, आत्मा का दूसरा देखता ही नहीं है, दो देखता ही नहीं है, द्वैत में आता ही नहीं है, द्वैत में ही झगड़ा है, द्वैत में ही रोता है, तो माँ में ही झगड़ा है, पर नहीं हम नहीं तुम तो तब कर। अपनी आत्मा को तब करने का है, जब तक अपनी आत्मा में स्थिति नहीं रहेगा, ये एक भी बात तुम्हारे अंदर नहीं, बार बार फिर अपनी आत्मा को जानो, उसमें स्थित रहो, फिर तुमको दूरी नजदीक अंदर बाहर ऊंच नीच जात पात ये सब तुम्हारे अंदर खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। जैसे आकाश, आकाश को देखो, वो खंड खंड नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो गया है, आकाश ही आकाश सर्वत्र है। ऐसा तुम अपने को फील करेगा, मैं सर्वत्र, मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मेरा मौत नहीं होता है। आकाश को कभी कोई टच कर सकता है? इतनी लड़ाइयाँ लगती है, तलवार काट सकती है, इधर ही आकाश है, ये खोला आकाश में इसको कभी इसको तलवार लगाओ काट सकता है, अग्नि जला सकती है, पानी डुबा सकता है। ऐसी तरह से तुम आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, निरंजन है, तेरे में एक भी ताक नहीं है, तेरे में एक भी पाप नहीं है, तुमको बीमारी टच नहीं कर सकती है, नो सिन पाप भी नहीं हो सकता है, नो सिक बीमारी भी नहीं टच कर सकती है, नो टेक तुम्हारा मौत भी नहीं हो सकता है। ऐसा अंदर निष्ठा का कारण बोलता अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु है अथवा कहाँ जीवित है, कहाँ भू आदि लोक है, इस मुझ ज्ञानी को कहाँ लौकिक व्यवहार है, कहाँ लय है अथवा कहाँ समाधि है, मृत्यु कहाँ है और जीवन कहाँ है। आत्मा तीनों कालों में एक रस ज्यों का त्यों अपनी महिमा में स्थित है, उसमें जन्म कहाँ मरण कहाँ लोक कहाँ, लोकों में होने वाले पदार्थ कहाँ है, लय कहाँ है और समाधि कहाँ। अपनी महिमा में जो स्थित है उसमें लय आदि की तीनों कालों में दी ये किसकी करो, मन को लय क्यों करूं, मन ही नहीं है तो लय क्या करूं। जिसको मन है वो मन को लय करने के लिए समाधि करता है, मेरे पास मन ही नहीं है तो समाधि काहे के लिए करूं। लोक ही नहीं है तो व्यवहार काहे का, लोकों से तुम्हारा व्यवहार होता है। अभी लोक ही नहीं है, नहीं लोक है, नहीं परलोक है, नहीं जगत है, नहीं कोई आदमी है जिसके साथ हम व्यवहार करें। व्यवहार होता है द्वैत में दूसरे से, दूसरा ही नहीं है तो व्यवहार किसके साथ करें, लेवे किससे देवे किसको, लेना और देना होता है द्वैत में दूसरे में। मेरे लिए दूसरा है ही नहीं, भगवान ही भगवान है, तो मेरे लिए व्यवहार भी नहीं है, लोक भी नहीं है, मन को लय करने की जरूरत नहीं है और समाधि लगाने की भी जरूरत नहीं है। समाधि किस चीज की लगाए, मन जिसका भटकता है वो बैठता है समाधि में, भाई मैं मन को ऐसा रोकता हूँ, मन को लय करता हूँ, समाधि करता हूँ। जिसके पास मन ही नहीं है, जो आत्मा में रहता है, जो आत्मा की महिमा को जानता है, सर्वत्र आत्मा देता है, उसका मन खलास हो गया, पीछे काहे की समाधि करे, क्या क्या देखे समाधि में, किसका चिंतन करे। ब्रह्म जो है वो चिंतन रहता है, चिंतन रहती पाएगा, चिंतन किसका करे, भाई मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, या ब्रह्म है या भगवान है, काहे का चिंतन।
ओम ओम बोलना, शिव ओम बोलना। अरे बोले वो जो माया में सारा दिन पड़ा है, माया की बोली बोलता है, उसके लिए बोलता है भाई तुम ओम बोलो। जिसको माया ही नहीं है, माया आदमी नहीं है, संसारी नहीं है, जिसके लिए लोकी नहीं है, वो ओम क्या बोलेगा? ओम में तो रहता है, उसका नाम ही ओम है। माय नेम इज ओम। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें समझा मिस्टर सो एंड सो मेरा नाम है। तुम उसे कोई भी पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या बोलेगा? तुमको बेटा कितना है? एकदम अंदर से निकल आएगा भाई मेरे को 4 बेटा, मेरे को 5 बेटा। एकदम ऐसा याद है जैसे पत्थर पर लकीर, इतनी ही तुम आत्मा याद करो। पत्थर पर लकीर आत्मा हो, अंदर से ही निकला है। बेटा किसका, बेटा किसका, बाप किसका? मेरे को बेटा होता ही नहीं, नहीं मैं किसका बाप हूँ, नहीं मेरे को बेटा है, मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा ही आत्मा है। किसका बेटा किसका बाप? मेरा नाम कहाँ है, रूप कहाँ है? ये नाम भी झूठा, रूप भी झूठा, ये जगत ही झूठा, ये झूठ की बात क्यों करता है? तुम ऐसा जवाब देगा किसी को? तुम तो बोलेगा हाँ मैं तो मिस्टर हूँ, मैं मिसेज हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, मेरी आंख है ये है, मेरी ये फलानी जात ये है, पात ये है। अरे जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार। हम कहाँ जाते हैं तो टिकट लेने, जब भी पूछता है नाम क्या है तो ऊपर से आत्मा रामानी जात, तो बेचारा हैरान हो जाता है। स्टेशन मास्टर टिकट कलेक्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि उधर लिखा पड़े आत्मा रामानी, भाई सब आत्मा है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, सब एक ही है। और तुम्हारे में नाम रूप लोक व्यवहार, लोकों का व्यवहार, भाई मैं तो व्यवहार में रहता हूँ ना, हम तो भाई जगत में रहता है ना, जगत में रहता है कि भगवान के पास रहता है? भगवान में रहता है, जगत में रहता है, जगत कहाँ है हमको दिखाओ, कौन सा जगत है? तुम जहाँ जाते हैं उधर नौकर कौन है, सेठ कौन है, पट्टे वाला कौन है, ग्राहक कौन है, आने वाला कौन है, जाने वाला कौन है? जब एक ही भगवान है तो व्यवहार काहे का, किसके साथ तुम्हारा व्यवहार है? तुम भगवान ही भगवान देखो जानता तो तुम कितना इज्जत से बोलेगा भाई ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। नामदेव ने तो कुत्ते में भगवान देखा, तुम आदमी में भगवान नहीं देखता है? बोलता ये लोक है, लोक कहाँ है? भगवान है कि लोक है, भगवान है कि जगत है? व्यवहार काहे का, द्वैत है तो व्यवहार है, अद्वैत आत्मा में कोई व्यवहार ही नहीं। जो अद्वैत में रहता है वो अपना आप जानता देखता है, वो व्यवहार किसके साथ करेगा? मैं सास हूँ तो ये बहू है, मैं बेटा हूँ तो ये बाप है, मैं छोटा हूँ तो ये बड़ा है। ये द्वैत जो है वो तुम्हारे इस दुनिया में है, जगत में है, जोड़े जोड़े, और आत्मा में जोड़ा नहीं है, आत्मा में द्वैत नहीं है, आत्मा में व्यवहार नहीं है, आत्मा में अद्वैत आत्मा है। बस मैं ही मैं हूँ, जानता मैं हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मेरे की गठरी बांध के इधर रख के जाना, आज जो तुम्हारा मेरा मेरा पड़ा है ना अंदर, वो सब गठरी बांध के हमारे पास रख के जाना, हम उसको जला देगा, तुम्हारी सब गठरियों को जलाएगा, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम्हारी तो एक सुई भी नहीं है। तुम लेके आया था सुई, लेके जाएगा? बेटे को अपने साथ लाया था, पैसा लाया था, स्त्री लाया था, धन लाया था, क्या लाया था? सब इधर चोरी का माल रख के जाओ आज गठरी बांध के। तुम केवल आत्मा है बस, आत्मा से जाती कुछ भी नहीं है, तुम आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। मेरा तुम्हारे में है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा ये शरीर भी नहीं है, शरीर भी इधर छोड़ के जाना आज, अकेला तुम जाना, आत्मा बस। आत्मा तो जाता और आता भी नहीं है, सर्वव्यापी है, तुम जानता है ही है। तो ये लोकों का व्यवहार, लोक शरीर जीव जगत, ये सब तुम्हारा भ्रम है। और आत्मा की महिमा में आओ तो आत्मा में कुछ भी नहीं है, अद्वैत आत्मा सर्वव्यापी, मैं ही मैं हूँ, मेरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं है। तो मन ही नहीं रहेगा जो तुमको समाधि लगानी पड़े। मन मन जगत, जगत है तो मन है, जीव है तो मन है, तुम शरीर है तो मन है, और तुम मेरा है तो मन है, तेरा है तो मन है। तो आत्मा में नहीं जीना है, नहीं मरना है। बोले मौत किसका होता है, जीता कौन है? तुम बोले मैं अभी जीता हूँ, फलाना मल मर गया, नहीं कोई मरा है, नहीं कोई जीता है। आत्मा में जीना कहाँ है, मरना कहाँ है? कौन मरा है, किसको तुम बोलता है मर गया? आत्मा अमर है और शरीर तो अभी मुर्दा है सबका, अभी तुम जो बैठे सब मरे पड़े हैं, मुर्दा ही है शरीर, बाकी मरता कौन है?
मरना किस में? आत्मा में मरना है, आत्मा में जीना है। तुम बोलेगा मैं जीता हूँ, जो बोलेगा मैं जीता हूँ उसको एक दिन मरना पड़ेगा। जो बोलता है मैं हूँ ही हूँ, आत्मा है ही है, वो नहीं जीता है नहीं मरता है। हमारी पड़ोली समझ में आती है कि जट बैठा है सब इधर, बताओ आत्मा में जीना है मरना है? तुम ऐसा फील करता है कि मैं जीता भी नहीं हूँ मरता भी नहीं हूँ, मेरे में जीना भी नहीं है मरना भी नहीं है, आना भी नहीं है जाना भी नहीं है, लोक भी नहीं है व्यवहार भी नहीं है, लय भी नहीं है समाधि भी नहीं है। ये समझ में आता है कुछ बात, तुम आत्मा में रहेगा तो सब बात समझ में आएगी। भाई ये बराबर बात है, ये तुम्हारा भ्रम है। तो मैं जीता हूँ एक दिन मर जाऊंगा, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम देह में है तभी बोलता है मैं जीता हूँ मैं मरूंगा, जो आत्मा में वो बोलता है मैं नहीं जीता हूँ नहीं मरूंगा, मैं तो हूँ ही हूँ हमेशा हूँ। आग सत जुगा सच है भी सच होती भी सच, कल भी मैं था आज भी मैं हूँ पीछे भी मैं ही रहूंगा, मैं कब नहीं हूँगा, आत्मा कब नहीं है? तो आत्मा तो हमेशा है, तो उसके लिए जीना मरना लय समाधि कुछ भी नहीं है। मैं अपने आत्मा में स्थित हूँ, मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। जिसको प्रेम नहीं है, प्रेम में ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, नहीं ज्ञान नहीं अज्ञान चाहिए, ज्ञान अज्ञान दोनों बोझ है। पहले तो तुमको अज्ञान का बोझ था, तो किया ये तो पापी है, ये तो ऐसे है, ये तो ख्याल अज्ञानी से भी बदतर, अज्ञानी से भी महापापी ये है, अपने को ज्ञानी दूसरे को अज्ञानी समझता। ऐसा ज्ञान नहीं लेने तो अच्छा है कोई साधु और संत बनना, ज्ञानी और वैरागी बनना, त्यागी वैरागी माया सब मत दिया, बिना कोई बचा गुरुमुख वन भागी, जिसने देखा जागी अपने आप को अपने में, भाई त्याग करके गया वैराग करके गया बेचारा, जंगल में जाके गया घर बचा छोड़ के गया बेचारा, हजार हजार साल जाके सब कुछ किया, अपने को कसिया जी तन को खाना छोड़ा पीना छोड़ा सब कुछ छोड़ा, लेकिन बुला क्योंकि भगवान की ऐसी रचना सुंदर उसी को ठुकरा के परमात्मा की रचना का अपमान करके, और तुम जाके जंगल में वैराग लेंगे त्याग लेंगे, किससे किसी से त्याग लेना है किसी से नाराज दिया है, जो परमात्मा ने ये जगत जो बनाया वो खराब है क्या? ये जो सृष्टि बनाई है कौन सा खराब है? क्या खराब बनाया जो तुम छोड़ के जंगल में जाते हैं सन्यासियों में पूछो, कहते हैं जो तुमने सन्यास लिया है, सन्यास कोई धर्म ही नहीं है, सर्वनाश करना है इच्छाओं का वासनाओं का, नहीं कि सर्वनाश करना है जगत को नाश करके चला जाएगा, उधर जंगल में जगत नहीं है क्या? जंगल में ये मन तो है, अरे इधर मन को बंद बनाना है, अंदर को बंद बनाना है, नहीं तो वनवास में जाके बंद बनाना है, इस घर में बैठ के बंद बनाओ, संबंधी सामने हो गए मरता हो गए तुम वनवास में जैसे रह पड़े, तुम्हारा कोई किसी से वास्ता नहीं है, ना किसी से राम ना किसी से द्वेष, सच्चा संन्यास है सर्व इच्छाओं का नाश, उसको बोलते हैं संन्यास, सर्वनाश मना सर्व इच्छाओं का नाश, सारा जगत उसके मन में नहीं है, चाहे ज्ञानी जगत में रहता है उसके मन में जगत के लिए वासना नहीं है, जगत को मिथ्या समझ के रहा है, और जो संन्यास करके इधर से चला गया इसका मतलब है उसने जगत को सत्य समझा तभी तो छोड़ा, और ये सत्य है ये सांप है हमारे को दंड लगाएगा इसके लिए छोड़ो भागो, भागना नहीं है जागना आएगा, सुपन से जागना है, तो संन्यास लेके जाएंगे उधर से सुपन नहीं होंगे, मैं हूँ अगर मेरे से जुदा कुछ नहीं है, परमात्मा खुद मैं हूँ भगवान खुद मैं हूँ, तो मैं कौन सा साधन करूँ, क्या कहूँ और क्या दू, क्या छोड़ना है? खाली ये भ्रम छोड़ना है कि मैं ये शरीर हूँ, ये भ्रम की जो दीवार आ गई है आगे, ये मन जो है वो ये तुम्हारा ख्याल काम ख्याल तो मैं ये शरीर हूँ, ये दीवार को छोड़ना है खाली, दूसरा कुछ नहीं करना है, ये भ्रम में आके तुम की जो कि अपने को समझ के बैठे हैं, मैं फलाना मन हूँ मैं फलानी पाई हूँ, ये घर मेरे को चलाना है,
मैंने बच्चा पैदा किया, अरे नहीं तुम पैदा हुआ है, नहीं तुमने किसको पैदा किया है, नहीं तुम किसका बेटा है, नहीं तुम किसका बाप है, किसने तुमको पैदा किया, तुम खुद भगवान है और भगवान को किसने पैदा किया, भगवान को कोई पैदा करता है, तुम स्वयं भव है, एक से अनेकों के तुम आया है, तुम किसका बेटा बाप नहीं हो सकता है, नहीं तुमने किसी को जन्म दिया है, नहीं तुम कभी इधर जन्म लेके आया, किसने जन्म लिया है, आत्मा कभी जन्म लेता है, आत्मा कभी मरता है, आत्मा कभी आता है, आत्मा कभी जाता है, तुम तो आत्मा है, स्वयं है, स्वयं भव अपने आप ही हुआ है, एक से अनेकों के आया, एक ओम ओम श्याम ओम ब्रह्मस्मै तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ तो तू है, और ये शब्द जो है वो मैं ही तो हूँ, कृष्ण भगवान का 11 जापन गीता का, और ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, उधर ही बैठ जाओ, है ना, मैं हूँ सर्वत्र, मैं ही तो हूँ, दूसरा मेरे शायद कुछ है ही नहीं, तो पीछे पाना क्या है, सोना क्या है, पहले पहले अर्जुन को कृष्ण भगवान जब मिला तो पहले पहले उससे बात क्या की, शुरू में ही बोल रहा है तुम आत्म घाती माँ बाप की नहीं बोल, आत्मा का घात किया है तुमने, परमात्मा का घात करके तुम अपने को शरीर समझ के बैठे, इसके लिए दुखी दुखी हुआ, बड़े में बड़ा जो पाप किया है, बड़े में बड़ी जो हंसा किया है, बड़े में बड़ी जो हत्या किया है, वो तुमने अपने आत्मा की किया, वैसे चीखी और मापोड़े की तो बड़ी तुम परवाह करते हैं, मारने जाए हम बकरा नहीं खाते हैं, हम चीखी माकोड़े को नहीं मारते हैं, हम तो बड़े विष्णु है, लय न समाधि, बहुत प्यारा सूत्र पकड़ाया भगवान ने, अगर समझ आया है तो, आत्मा को ना मन है, ना मन को लय करना है, और ना ही एकाग्रता के लिए समाधि का प्रयत्न करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम बार बार ज्ञान के बाद भी खेचातानी में रहते हैं, खेचल में रहते हैं, शोरगोर में रहते हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं, वो हमारे निश्चय की कमी है, जिसको हम अभ्यास कहते हैं, असल में तो हम एक निश्चय में आ जाएं, तो मन के सारे विकार लय हो सकते हैं, जितनी भी डिसबैलेंसिंग है, जहाँ जहाँ पर भी आपको महसूस हो रहा है कि हम डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं, फिर हम अपने को बैलेंस करते हैं, फिर हम अपने मन को बनाते हैं, लेकिन आत्मा का निश्चय करो, पीछे तो कोई बात ही नहीं है ना, आत्मा में जगत है, आत्मा में द्वैत है, आत्मा में मानपमान है, आत्मा में किसी का आधार है, आत्मा में कोई इमोशनल बैलेंस और डिसबैलेंस है, अभ्यास भी करते हैं सब अधूरा करते हैं, फिर देह का पीछा नहीं छोड़ते हैं, और बार बार बोलेंगे हम इस चीज़ को बैलेंस करेंगे, हम अभी ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, ये सब टेम्परेरी बात, जो मोटी मोटी एक बात है वो है आत्मनिश्चय, अपने स्वरूप में आ जाओ, अपनी महिमा को जानो, जो अपनी महिमा को नहीं जानता है वो देह अध्यास में रह के नाना प्रकार के प्रयत्न करता है, लेकिन प्रयत्न सफल नहीं होते हैं, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, जैसे आप एक पेन किलर खाओ, थोड़ी देर दर्द में आराम आ जाएगा, लेकिन दर्द दोबारा होता है, जैसे आपके दांत में कोई इन्फेक्शन है, आप पेन किलर खाते हो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे हो जाता है जैसे दर्द ही नहीं, फिर दोबारा शुरू होता है, अब कितनी पेन किलर खाई जाएं, डॉक्टर के पास जाते हैं वो पेन का नहीं इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करता है, जो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, इसी तरह से ये जो देह अध्यास का इन्फेक्शन है, हम छोटे छोटे विचार लेके पेन किलर निगलते रहते हैं,
लेकिन ज्यादा फायदा होता नहीं है। फिर मन उठ जाता है, फिर विकार उठ जाते हैं, फिर काम क्रोध अटैक कर देता है। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। अपने घर में लौट के आओ। तुमसे जितनी भूल हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि तुम अपने घर से बाहर हो, निज घर में नहीं हो। अब जितनी देर हम लोग घर से बाहर रहते हैं, रिलैक्स तो नहीं रह सकते हैं। चाहे किसी के घर भी चले जाओ, पता होता है 4 दिन बाद जाना है, क्योंकि उसके घर थोड़ा उसके तरीके से रहना पड़ता है। अपने घर की तरह तो नहीं रहा जाता है, उसके तरीके से रहना पड़ता है। तो रिलैक्स कब होते हैं? जब अपने घर में लौट के आते हैं। ना चाहते हुए भी, बहुत कंफर्ट होते हुए भी तनाव खेचल महसूस होता है दूसरे के घर में। अब हमको अरसे बीत गए अपने घर से बाहर निकले हुए, 1-2 दिन की कहानी नहीं है, अरसे बीत गए हम अपने घर से बाहर हैं और हम सुख ढूंढ रहे हैं। कैसे मिले सुख? देह अध्यास दुखों का खान है, जड़ है सब दुखों की, सब विकारों की, और हम इस पे वर्क ना करके और बातों पे वर्क करते रहते हैं। समझो, हमने भी तुम्हें 10 बात समझाई। तुम एक आत्मा का निश्चय करो, 10 की 10 बातें तुम्हारे अनुभव में आ जाएंगी, 10 के 10 विकार तेरे एकदम छूट जाएंगे। जैसे एक राजा दशरथ मरा, 3 में से कौन कौन सी रानी विधवा होगी? 3 होएंगी ना, हम ये तो नहीं कह सकते एक रानी विधवा होगी। इसी तरह से इस देह अध्यास के मरते सारी वृत्तियां लय हो जाती, सारी वृत्तियां विधवा हो जाती। ये सारी जो मायाकार वृत्तियां हैं इनको सुहागन बनाने वाला तुम्हारा देह भाव है, अहम भाव, मैं का भाव। इसी से सारी वृत्तियां जी रही हैं, काम की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति। ये वृत्तियां कैसे जी रही हैं? ये सारी वृत्तियां देह अभिमान से जी रही हैं। अगर इस देह अभिमान से ऊंचा उठा जाए, इन सारी वृत्तियों की निवृत्ति हो सकती है। एक एक विकार निकालने बैठोगे नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल काम है। पर निश्चय करो, मैं निर्विकार आत्मा हूं। गुरु क्या करता है? विकारों सहित इस देह का दावा छुड़ाता है। गुरु का काम है विकारों सहित इस शरीर का दावा छुड़ाना कि ये देह मैं नहीं हूं। देह मानते ही तो सारा जगत है, देह नहीं हूं तो जगत भी नहीं है। जो अंदर छोटी छोटी कमजोरियां महसूस होती रहती हैं, कभी किसी लेवल पे, कभी किसी लेवल पे, कभी मन सपोर्ट ढूंढता है, कभी मन प्यार ढूंढता है, कभी कुछ ढूंढता है, कभी कुछ ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? क्योंकि अपनी महिमा को नहीं जानता है। जब नहीं जानते हो अपनी महिमा को तो भीख मांगते हो सबसे। अपनी महिमा को जानने वाला भिखारी नहीं है दर दर का, पर देह अध्यासी दर दर का भिखारी है। सारा समय उसको दूसरों से चाहिए, किसी से प्यार चाहिए, किसी से लाड़ चाहिए, किसी से सपोर्ट चाहिए, किसी से कुछ चाहिए, किसी से कुछ चाहिए, क्योंकि अपनी महिमा को जान ही नहीं रहा है। जिस पल अपनी महिमा को जान गया, अंदर से ही सब खूटे खुल जाते हैं। शेर को जब एहसास हुआ मैं शेर हूं, अब खूंटे उसके बंधन नहीं रह जाएंगे। सिर्फ एहसास काफी था, अरे मैं शेर, मैं इस लकड़ी के छोटे से खूंटे से बंधा हूं। एक अंदर याद आते ही, अपना शेरपना याद आते ही,
खूंटे तो रह ही नहीं गए उसके लिए, खेल है उसका। एक झटका मारा खूंटा तो रस्सी सहत उखड़ के कहां गया। याद किया ना गुरु, सवेरे शाम हमको क्या याद दिला रहा है, शिवोम। हमको शिवोम नहीं याद पड़ता है। देखना बाकी सब कुछ याद है, जगत याद है, मैं याद है, मेरा याद है, शिवोम कितने बजे याद पड़ता है। जब तक किसी को अपनी महिमा का ज्ञान नहीं होगा, वो देह अध्यास के दुखों की पीड़ा से नहीं छूटेगा, बार बार पीड़ा का अनुभव करेगा, क्योंकि अपनी महिमा को नहीं जान रहा। और जिसने अपनी महिमा को जाना वो ये जानेगा निराधारों का आधार में, मुझे किसका आधार लेना है। धन मेरा आधार हो सकता है, संबंधी मेरा आधार हो सकते हैं, बाहर के पदार्थ मेरा आश्रय हो सकते हैं, बाहर के सुख मुझे आत्मा को सुखी बना सकते हैं। मैं तो पहले ही सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। अंदर से खुनकी आएगी जब निश्चय करोगे, और जब इस निश्चय को नहीं पकाते हो अंदर तो पावर आता ही नहीं है। बार बार सुन के भी लगेगा, अब ज्ञानी की स्थिति है, ज्ञानी ऐसा हो सकता है। गीता भगवान ने बोला है, तुम पहले दिन हमारे पास आए थे उस दिन बराबर अज्ञानी थे, लेकिन जिस दिन तुम पहले दिन आए और हमने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया, उस दिन से तुम भी ज्ञानी हो गए। अब तुम्हारे पे दोष है अगर देह अध्यास में रहते हो। ये ना सोचना माफी मिल जाएगी। हर कोई सोचता है मेरे को माफी है, मैं अभी ज्ञानी हुई नहीं। मैं तो रोज कबूल करता हूं मैं ज्ञानी नहीं हूं। तुम कबूल भले ना करो पर तुम ज्ञानी हो। पहले दिन बराबर तुम अज्ञानी आए थे, उसके बाद पढ़िया होवे गुनहगार, हो मैं साधना मारिया। अब तुम हो मैं के अधीन हो तो तुम गुनहगार हो। अब निश्चय की बात करो, क्यों बनते हो कुछ भी, लड़का लड़की कुछ भी बनते हो तो कमजोर पड़ते हो ना। सोचने का जो नजरिया है, इंसान का नजरिया ही बड़ा गलत है, बहुत गलत तरीके से सोचता है। मैं बेचारा, मैं तो बेचारी है, आत्मा में बेचारापन है। मेरे को किसी से बहुत प्यार मिला, तेरे को प्यार की आवश्यकता भी है, तू प्रेम स्वरूप है। जब हमने कहा सूरज भी तेरे को सलाम करने आता है, सूरज भी तेरे से रोशनी लेके तेरी सत्ता लेके, सूर्य चंद्र में रूप मेरा है। किसका रूप है सूरज में, किसका तेज है, मेरा तेज है। सूरज तो तेरा तेज उधार लेने आता है, और तू बैठ के लोगों से कभी इज्जत मांगता है, कभी प्यार मांगता है, कभी सपोर्ट मांगता है। मतलब साफ है, तो अपनी महिमा को जानता ही नहीं। अपनी महिमा को जानो ना, क्यों नहीं जान रहे हो, क्यों तुमको नेगेटिव दिखता है, क्यों तुमको वीकनेस आती है, क्यों तुम कमजोर समझते हो अपने को, किस लिए। माया में चार जगह फेल्योर हो जाए, मैं तो हर जगह फेल्योर हूं, ये भी तो हो सकता है। भगवान तुझे अपनी ओर बढ़ाना चाहता हो, तेरी किस्मत में ब्रह्म ज्ञान का योग है और तू माया में भागना चाहता है, तो बार बार वहां से धक्का मुक्का ही तो मिलेगा ना। कभी विचार अपने महिमा का भी कर लो। अब एक बोलता है कौआ काव करता है, दूसरा बोलता है कौआ भी राम बोलता है, उसका भी काव सुनो। तुम्हारी तरह तुम राम बोलते हो, वो काव बोलता है, मर्जी तुम्हारी है। काव में भी राम सुन सकते हो, और कोई राम में भी काव सुन सकता है, तुम्हारी मर्जी है। कोई
निश्चय वाला होगा हर चीज में पॉजिटिव ढूंढ लेगा। कोई निश्चयात्मक नहीं है, संशयात्मक है तो दुखी होएगा, तकलीफ में आएगा, परेशान होएगा। एक बार सोचो इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, क्या होना है तुम्हें, क्या पाना है तुम्हें, जो पाने के पीछे तू भाग रहे हो, आखिर क्या? कुछ नहीं, यहीं छूटेगा। जब शरीर यहां रह जाएगा, शरीर के साथ जो कुछ है वो सब तो यहां रह जाएगा। गुरु नानक देव के समय कारुण देश का बादशाह था, सारी प्रजा से उसने एक एक पैसा तक छीन लिया। बड़ा उसको शौक रहता था खजाना इकट्ठा करने का। एक लड़के ने मां को बोला, राजा ने ऐलान कर दिया, जब ले लिया ना सबसे पैसा, ऐलान कर दिया किसी के पास एक नया पैसा भी होवे, अगर वो लेके आएगा मैं राजकुमारी की शादी उससे कराऊंगा। लड़के ने मां को बोला, मैं शादी करना चाहता हूं राजकुमारी से, मैं उसको बहुत पसंद करता हूं, और अब तो पहले तो ये था हम गरीब हैं शादी नहीं हो सकती, अब तो बड़ा अच्छा ऑफर है, कहीं से मेरे को एक टक्का दियो। मां ने बोला, भाई मेरे पास तो है नहीं, पता है तेरे को राजा ने सब छीन लिया। ये है, जब तेरा बाप मरा था मैंने उसके मुंह में एक पैसा डाला था, अभी कब्र खोद के देख ले शायद एक पैसा मिल जाए तुझे। लड़के ने कब्र खोदी, बाप की पैसा मिल गया। पहले तो कामना वारे की हालत देखो, कामना मनुष्य को अंधा बना देती है। बाप की कदर खोद डाल, कब्र ही खोद दी, जो मुंह में डाला था वो भी निकाल लूं, ये अपने ही बच्चे तुम्हारे, मुंह के निवाले छीनने वाले। वैराग नहीं आता है तुमको, पर सच चाहिए। कब्र खोद डाली, सोचो बदबू भी होती है, डर भी लगता है इंसान को, लेकिन कामना इतनी हावी, बाप की कब्र खोद के सिक्का निकाला एक पैसा, दौड़ा राजा की तरफ लेके, लियो एक पैसा, आपकी शर्त थी मैं लेके आया, शादी कराओ राजकुमारी से, शादी बाद में कराएंगे, पहले ये बताओ ये पैसा आया कहां से, मैंने तो छोड़ा नहीं किसी के पास, तेरे पास कहां से आ गया, बताना पड़ा बाप की कब्र खोद के लाया हूं। सबकी कब्रें खुदवा दी, जितनी शहर में कब्रें थी, बोला कब्र खोदो और निकालो सिक्का उसमें से भी, हमको तो पता नहीं था मरने के समय सिक्का डालते हैं मुंह में, निकाल के लाओ। कब्रों की खुदाई शुरू हो गई। गुरु नानक देव का जमाना, उन्होंने देखा भाई घोर आश्चर्य, इंसान की मायाकार वृत्ति कैसी है, वासना कैसी है, पैसा एक एक इकट्ठा करने के लिए सारे शहर में बदबू कर दी है, कब्रें खुदवा दी हैं, जहां लोग शमशान घाट जाने से डरते हैं और ये कब्रें खुदवा रहे दिन रात लेबर लगा के। गुरु नानक देव उसके पास चले गए, बादशाह के पास, जानता था दरवेश हैं, आए स्वागत है, कैसे आना हुआ आपका? गुरु नानक देव जी एक सुई ले गए, बोला ये सुई ले लो, परलोक में मेरे को दे देना। वो इतना लालची था, कुछ आ रहा है तो आने दो, ये भी नहीं सोचा मैं कैसे लेके जाऊंगा परलोक में सुई, कहां मिलेंगे, क्या होगा, आने दो जो आ रहा है, सुई लेके रख ली। महल में गया शाम को, रानी को सुई दी, जब मैं मरूं ना सुई मेरे को दे देना, परलोक में गुरु नानक साहब दरवेश है उसको देने की है। उसकी औरत ने कहा, तू पागल है क्या, सुई लेके कैसे जाएगा, कैसे उठा के ले जाएगा सुई, तो शरीर में हाथ में पकड़ी जाती है तो यहीं जल जाएगा। बोला मेरी हड्डियों में चुभा देना, वो हड्डियां भी यहीं रह जाएंगी।
मैसेज भेजा गुरु नानक देव जी को, वापिस बुलाया अगले दिन, बोला ये आप अपनी सुई लेके जाओ, हम परलोक में नहीं ला सकते। बोला नहीं, एक सुई भी नहीं ला सकता। बोला ना, ये जो तूने तबाहियां मचाई हैं इतनी, करेगा क्या इसका? तो मन तुम्हारा भी जो तबाही मचा रहा है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कभी अपने से पूछो तेरे संग क्या चलेगा? नहीं चालस तेरे साथ धना, रे तू क्यों लिपटाए मूर्ख मना? आखिर मिला ना जे रब, और सब कुछ मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? आखिर क्या औदा साथ जाएगा, पैसा साथ चलेगा, घर साथ चलेगा, तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है? शायद तुम्हें यह भी नहीं पता। एक रेस चल रही है दुनिया वालों के साथ बिना मतलब की, हम भी दौड़े जा रहे हैं, सब कमाने के पीछे, शादी के पीछे, बाल बच्चे के पीछे, हम भी उसमें शामिल हो गए। सोच तो लेते एक बार, हम इस रेस में क्यों शामिल हैं? क्या मिलेगा इस रेस में? पीस ऑफ माइंड है? नहीं है। होता तो अब तक मिल गया होता। अल्टीमेट एम है पीस ऑफ माइंड। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, इसके पीछे तुम क्या पाना चाहते हो? पीस ऑफ माइंड पाना चाहते हो? सब भगत तो आनंद के हैं, आनंद चाहिए सबको। फर्क क्या है? एक अंग्रेज कहता है पीस ऑफ माइंड, बहुत मेहनत करो, कमाओ, इकट्ठा करो, शादी करो, बच्चे करो, फिर आराम से सो, वो तब सोना चाहता है 40-50 साल की मेहनत के बाद। कुमार अभी की घड़ी में चारपाई पे सो रहा है, कहता है अगर इतनी खेचल करने के बाद भी ऐसे ही सोना है तो आज ही सो रहा हूं ना आराम से, इतना खेचल में पड़ने के बाद तो नींद की आदत ही खत्म हो जाएगी। बात यही है, तुम क्या चाहते हो? ये ले लूं, वो ले लूं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, नौकरी कर लूं, सेटल हो जाऊं, पैसा कमा लूं, गाड़ी ले लूं, बस फिर निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत तो तू अभी भी है, उल्टा इन सबके साथ तो चिंता आएगी। निश्चिंत तो अभी भी हो। व्हाट्स योर नीड? लोगों की तरफ अगर ना देखो, व्हाट्स योर नीड? तो उद्देश्य क्या है तेरा? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड किस में है? निश्चयात्मक बुद्धि में है। अदरवाइज तो लोगों को पीस ऑफ माइंड भी नहीं है। बहुत कुछ जिनके पास है, पीस ऑफ माइंड उनके पास भी नहीं है। भटक ही भटक रहे हैं, भटक ही भटक रहे हैं। तो जो पीस ऑफ माइंड पाना चाहता है, उसके लिए शर्तें नहीं हो सकती। ये हो जाए तो मुझे पीस ऑफ माइंड होगा। पीस ऑफ माइंड तो अभी है। ये सब हम शोर जो पैदा कर रहे हैं पीस ऑफ माइंड खराब करने के लिए। पीस ऑफ माइंड तो खराब होगा उससे। कभी तुमने सुना है जो व्यक्ति कम खाता है वो बीमार हुआ? ज्यादा ठूसने वाला बीमार होता है। अदरवाइज तो निराहार रहने वाले का शरीर ठीक होता है। आज भी किसी ने बताया मेरे को, थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम है। बोला डॉक्टर कहता है जितना कम खाओगे किडनी को रेस्ट मिलना चाहिए, ठीक हो जाएगी। बॉडी रेस्ट मांगती है, भरने से नहीं। और हमारा लॉजिक क्या होता है? शरीर को भरें तो ताकत आएगी। बचपन से ना हमको कितना गलत पढ़ाया गया, खा ताकत आएगी, दूध पी, ड्राई फ्रूट्स खा, पलान, बारी बारी चीजें, पिनिया खाओ, ये खाओ, ताकत आएगी। बल्कि ये चीजें हमारी एनर्जी खराब करती हैं, सारी ताकत तो इनको पचाने में लग जाती है। संत साधु जो पहाड़ों में घूमते हैं, एक वेला खाते हैं,
वो हमसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं। नागा साधु आते हैं अखाड़ों में जब ये कुंभ के मेले लगते हैं, भाई ऐसी ऐसी ताकत, दांतों से तो ट्रक खींच देते हैं वो लोग, ऐसी ऐसी एनर्जी है, ताकत है उनके अंदर। उनको ड्राई फ्रूट्स कौन पहुंचाने जा रहा है, उनकी माँ पिनिया कूट के देने जा रही है, फकियां मिल रही हैं खाने को, दूध मिल रहे हैं, एनर्जी का भंडार, एनर्जी का सोर्स हम स्वयं हैं। हम सेल्फ से कनेक्टेड हो जाएं, हम एनर्जेटिक रहते हैं। गुरु लोगों को देखा, इतना कार्य लेकिन एनर्जेटिक। गुरु जी को हमने देखा, हालांकि शरीर भी भारी था, उसके बाद भी एनर्जेटिक थे, सारा दिन काम करते थे, थकते ही नहीं थे। हम लोग बोलते थे भगवान आप थक गए होंगे, बोला अंगीठी कभी कोयलों से थकती है क्या, और भभकती है। आ जाते हो तुम सब, और काम होता है यहाँ पे। ब्रह्मज्ञानी की पावर कौन है, ताकत कौन है? सेल्फ से कनेक्टेड होके वो ताकतवर है। अब हम सोचते हैं बहुत कुछ करने पर रिजल्ट्स हैं, नहीं, कुछ ना करने की सोचो रिजल्ट्स हैं। सोचते हो शरीर को भरें, मन को भरें, ना, जो खाली होता जाएगा वो एनर्जेटिक होता जाएगा, जो खाली होता जाएगा, जो भरा होगा वो डूबेगा, खाली तैरेगा। खाली मटका पानी पे तैरता है, मिट्टी है फिर भी तैरता है, उसी मटके को भर दो पानी में, डूब जाएगा। आप लोग सोचते हो भरना भरना, मेरे स्वरूप की बात ही नहीं है, देह की बात है ये। इसको चलाने के लिए थोड़ा सा फ्यूल देना था, थोड़ा सा भरना था। अब गाड़ी चलाते हो, एक बार उसमें पेट्रोल डाल दिया, पर चलती है ना, कई कई दिन चल जाती है, लोकली जाना आना होता हो तो, या जितने पेट्रोल पंप आए रास्ते में खड़े हो जाते हो, पेट्रोल डालें इसमें, ऐसा नहीं करते ना। शरीर की भी यही बात है, इसको खिला दिया फिर ये चलता है मजे से, कुछ चाहिए ही नहीं, जबान मांगती है थोड़ी थोड़ी देर में, अभी ये स्नैक्स खाएं, अभी ये चाय पिए, अब कोल्ड ड्रिंक पिए, जबान मांगती है। शरीर की तो नीड ही नहीं है, उसने अपना थोड़ा सा ले लिया और कितना डाइनिंग टेबल पे रखा रहता है, अपनी आवश्यकता अनुसार खा के कहता है बस, शरीर बता देता है बस। अब लगता है पेट भर गया, मन नहीं भरा, तुम्हारे दो खांचे हैं, पेट भर गया मन नहीं भरा, मन को भरना भी नहीं था इससे, मन भरेगा भी नहीं इससे, गलत डायरेक्शन हुई। ऐसे ही आपने मन को और चीजों से भरा है, विकारों से, विषयों से, पदार्थों से, धन से, भार बढ़ता जा रहा है। और जबकि इस सब भार को हटाओ, आप एकदम खिल जाओगे, आप आनंद स्वरूप हो। ये सब भार आपने जबरदस्ती अपने ऊपर लादे हुए हैं, ये लादने की चीजें नहीं है। अपनी महिमा को जानो, अपने स्वरूप का ध्यान करो, बैलेंस तो अपने आप बना हुआ है। डिसबैलेंसिंग मन के गलत ख्यालों से हो रही है ना, डिसबैलेंसिंग कहां से आ रही है, तुम्हारे रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग एटीट्यूड्स, इनसे तुम्हें डिसबैलेंसिंग आ रही है। परसों भी मैंने बोला, संत कभी नहीं सोचता मैं किसी का खाता हूं, वो अपने को खाने वाला ही नहीं जानता। तुम फिर क्या क्या सोचते हो, क्या क्या विचारते हो, क्या बन के विचारते हो, क्या तुमने अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जाना, सन ऑफ गॉड जाना? मैं लड़का, मैं लड़की, मैं इस पे बोझ, मैं उस पे फलाना, मैं उस पे टीरा, तुम्हें ईश्वर में एतबार तो नहीं? इतना बोझ किस लिए, काहे को बोझी लो, काहे को थकेले हो इतने, काहे को परेशान हो, कभी विचार ही नहीं करते। सारा जो शोर है
वो सिर्फ तुम्हारे मन का पैदा किया हुआ है, वरना तुम्हारे पास कोई परेशानी है ही नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। हर एक अपने निश्चय में जागे, ज्योत स्वरूप हो तुम, आनंद स्वरूप हो तुम, तुमने अपना लक्ष्य ही गलत बना दिया। क्या हो जाएगा? एक सफल गृहस्थी हो जाओगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? तुम्हारे पास पैसा होगा, पति होगा, बच्चे होंगे, पदार्थ होंगे, फिर क्या? और एक समय भगवान ने झलक दिखाई है सब चीजों की, डिससेटिस्फेक्शन तो फिर भी रहा, था सेटिस्फेक्शन, छोड़ा क्यों? नहीं था ना सेटिस्फेक्शन, नहीं है ना उसमें संतुष्टि, क्योंकि जैसे तुम देखते हो एक मां बाप चार बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन चार बच्चों की परवरिश मां बाप को संतुष्ट नहीं कर पाती। अनुभव किया होगा, मां बाप ने चार बच्चे पाल दिए, अब ये मां बाप के सेंटेंस होते हैं, हमने चार चार पाल दिए, चार मिलके हमें ना पाल पाए। लेकिन सच क्या है? सच ये है, एक कुआं पूरे गांव को पानी पिला सकता है, गांव वाले मिलके कुआं नहीं भर सकते। अब जहां माता पिता हैं, जो उनका बड़प्पन है, नेचुरली चार बच्चे मिलके भी उनकी पूर्ति थोड़ी कर पाएंगे, नहीं हो पाएगी, शिकायत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े आप हो, आपके बड़प्पन तक बच्चे कहां पहुंच पाएंगे? नो कंप्लेंट्स, हकीकत ये होना चाहिए। अब ऐसे देखो, तुम ज्योत स्वरूप, बोध स्वरूप, आनंद स्वरूप, तू ब्रह्म स्वरूप। अब तुम अपने मन को टके टके की चीजों से मैच करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे मैचिंग हुए? मैचिंग हो ही नहीं सकती है ना, पॉसिबल नहीं। आपको एक्सपीरियंस होगा, जब आपके पास सिल्क की साड़ी है तो आप ब्लाउज सिल्क में ढूंढते हो, कॉटन का ढूंढने जाओगे ब्लाउज? सिल्क की साड़ी उठा के जाओ और उसको बोलो मेरे को ना तो ब्लाउज दिखा दे सूती सा कोई, साड़ी की शो खराब हो जाएगी। सूती साड़ी के साथ सिल्क की मैचिंग नहीं बैठेगी, जानते हो ना किसके साथ किसकी मैचिंग है। अब मैं आत्मा, मेरी मैचिंग किससे होगी? पदार्थों से, धन से, मान इज्जत से, देह के मान मिलने पर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? देह की इज्जत होगी, देह को हार फूल पड़ेंगे, मेरा मान हो जाएगा उससे? नहीं, थोड़ी देर बाद शून्यता का अनुभव होता है। कभी आप देखो, आपको कहीं बड़ा मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, पर अंदर वाला फिर भी डिससेटिस्फाइड सा है, बुझा हुआ सा है, क्योंकि ये मान उसका मान है ही नहीं। मेरा मान दुनिया कहां कर सकती है? मेरा मान मैं आप कर सकता हूं जब मैं अपने को याद दिलाता हूं आई एम दैट। दुनिया मेरा मान नहीं कर सकती, वो तो मेरे शरीर को देख रहे हैं, उनको क्या पता मैं कौन हूं। वो मेरे शरीर को मत्था टेक लेंगे, मेरे शरीर के आगे झुक जाएंगे, पांव छू लेंगे, आरती कर लेंगे, हार चढ़ा देंगे, पर किसको? मुझे जानते ही नहीं। अर्जुन जो भगवान को ले आया युद्ध के मैदान में, क्या बना के लाया था? सारथी। क्या बना के लाया था? मित्र। क्या बना के लाया था? रिश्तेदार। ज्यों भगवान ने ज्ञान बोलना शुरू किया, सृष्टि के आदि में मनु को, शिवाकु को मैंने ज्ञान सुनाया, भगवान तुम तो कल पैदा हुआ,
नहीं जानता ना कृष्ण की महिमा को, एक अच्छा दोस्त मान के, सत्पुरुष मान के, इतनी वैल्यू करके ही तो आया था उनके साथ युद्ध के मैदान में। अब भगवान सीधे हो गए 10वें 11वें अध्याय में, इधर आ बेटा मैं बताता हूं मैं कौन हूं। जितना अर्जुन झुका था, देह को झुका था ना, तब तक असली कब झुका अर्जुन, जब 11वां अध्याय पूरा होने में आता है तो आपको चहुं ओर से नमस्कार है, भगवान सौम्य रूप धारण करो, सृष्टि तपायमान होती है, मैं 100 सूर्यों का प्रकाश देखता हूं, असली स्वरूप तो ये है कृष्ण का। दुनिया ब्रह्म ज्ञानी को क्या देखती है, सब उसकी देह को देखते हैं। अंधे लोग दुनिया के ब्रह्म ज्ञानी को पहचान सकते हैं क्या? ब्रह्म ज्ञानी अपना मान आप करता है, तू भी अपना मान आपको दोगे दुनिया से, मेरा ना ओहदा होगा, रिस्पेक्ट होगी दुनिया में, ओहदे को सलाम होगा, तेरे को सलाम होगा, यानी तो इतना भी सुजाग है, जागृत है, तभी हम लोग सबसे पूछते हैं, आज हम ज्ञान बोलते हैं तो झुकते हो, प्यार करते हो, हम मौन हो जाएं कल को तो प्यार करोगे? कल को कोई हमारे लिए कोई झूठ सच बात फैला दे तो भी तेरी श्रद्धा रहेगी? जिसने अंदर से जाना होगा उसकी रहेगी, बाकी भाग खड़े होंगे। नानक ने मारे पत्थर, भाग गए सारे, पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, लेना बैठा रहा। उसको पूछते तू नहीं गया? बोला मैं जानता हूं लीला है आपकी। और फिर गुरु गूंगे गुरु बावरे रहिए गुरां के दास, जे गुरु भेजे नरक में ना रखियो स्वर्ग की आस, नरक में भी बरकत डालेंगे उनको पता, तो स्वर्ग की आस ना रखियो। तो सोच के देखो मेरा मान कौन कर सकता है? और अगर चार पदार्थों के कारण, धन के कारण कोई मेरा मान कर रहा है, वो तो धन का ही मान कर रहा है, मेरा थोड़ी कर रहा है। कुर्सी को सलाम कर रहा है, मुझे थोड़ी सलाम कर रहा है। अब आज कोई आए, समझो हम इधर बैठे हैं, चलो अभी तो आके समझेगा ये बड़े हैं ऐसे हैं, मार्केट में मिल जाऊं मैं, धक्का लग जाए तो हो सकता है अपशब्द बोल के भी चला जाए कोई, बड़ी बात है कोई? इंसान की तो औकात कुत्ते जितनी भी नहीं है, कुत्ता भी अपने मालिक को एड्रेस में पहचानता है, इंसान का मालिक तो सामने से गुजर जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा मालिक है, ये मेरा गुरु है, मेरा भगवान है। आंख अंधी हो जाती, आंख पे पर्दा आ जाता है। अब तुम ये ढूंढ रहे हो दुनिया में, क्या ढूंढने निकले हो? मान, इज्जत, धन, पदार्थ, क्या ढूंढने निकले हो? क्या इसमें से कुछ भी मुझे संतुष्ट कर सकता है? जैसे गांव वाले मिलके कुआं नहीं भर सकते, मेरी रची हुई सृष्टि, मेरी रची हुई माया, ये मुझ मायापति को कहां संतुष्ट कर लेगी? मेरी रची हुई है माया, मेरी परछाई मात्र है माया, मेरे तिन मात्र से पैदा हो गई सारी माया, मेरे संकल्प मात्र से खड़ी हो गई सारी माया, ये माया मुझ मायापति को संतुष्ट कहां से करेगी? कहां ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? जरा चेक करके देखो तुम ढूंढने क्या चल पड़े हो। अप्राप्त तुझे कुछ नहीं, और तू अपने आप को खुटैला फकीर मान के पता नहीं क्या क्या प्राप्त करने के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। तुझे क्या अप्राप्त है, क्या नाही घर तेरे? ये सब ऐसे हैं माया के पदार्थ जैसे एक बच्चे के खिलौने हो। अब एक लड़की की शादी हो रही है, हम उसको खिलौनों वाला सोफा सेट, अलमीरा, गैस चूल्हा,
सारा एक बॉक्स बना के दे दें, ये ले तेरा सारा दहेज, दो गुड्डे गुड़िया भी रख दें, ये ले तेरे बच्चे भी हैं, क्या करेगी? संतोष होगा उसको इस सब से? असली चाहिए, मेरा असली घर, मेरा असली वतन, मेरा असली स्वरूप, मेरा असली संबंधी कौन? मिथ्या के पीछे भागे जा रहे हो क्योंकि अपनी महिमा को नहीं जानते हो, ये नहीं जान रहे हो मैं खुद ही ब्रह्म स्वरूप हूं, और भागे जा रहे हो मिथ्या चीजों के पीछे और दुखी भी उनसे। मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे पति नहीं मिला, ठीक नहीं मिला, मेरे पास बच्चा नहीं, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास पदार्थ नहीं, इन सब पे एक पोची लगाओ और बोल मेरे पास भगवान। एक आदमी के पास पारस है हाथ में और लोगों की चीजें देख देख के रो रहा है, हम कहेंगे पागल है क्या तू? इन सबसे ज्यादा धनवान है, पारस तेरे पास है, जितना मर्जी सोना बनाए जा, अमीर हुए जा। जिसको स्वयं परमात्मा मिले, भगवान मिले, गुरु मिले, पारस से कम है क्या? क्या पाना चाहते हो? क्यों पाना चाहते हो? किस चीज की चेष्टा कर रहे हो? सब चेष्टाएं व्यर्थ है तुम्हारी, इन चेष्टाओं में कुछ उपलब्धि तो है ही नहीं। एक घंटा कोई हमारे पास बैठता है, दिन बन गया, आपके साथ बैठने को मिला, मजा आ गया, तो फिर मजेदार जो है उसको पहचान लो ना। और वो मजेदार क्यों है हम तो कहते हैं ये भी पहचानो, तुम्हें हमारे साथ मजा क्यों आया? हमारे शरीर से मजा आया, हमारी हड्डियों से मजा आया, चेहरे से मजा आया, किससे मजा आया? जो भीतर का सत्य स्वरूप जागृत है, प्रगट है, उससे आनंद हुआ। तू खुद भी वही जागती ज्योत है, अरे बुझा हुआ दिया जलते हुए दिए के नजदीक आके आप ही जागृत हो जाए, आप ही प्रकाशित हो जाए, आप ही रोशन हो जाए, काम खत्म सारा का सारा। क्यों नहीं जागते? अंधेरों से लड़ने में लगे हुए हो, कोई फायदा नहीं। अपने प्रकाश स्वरूप को याद करो, आया मां भगवान जय में नाए शक गुमान, नानक लक्ष्मण मेरो ही नाम। अपने प्रकाश स्वरूप को जागृत करो, कहां सोए जा रहे हो? सोए जा रहे हो गफलत की नींद में, कुछ नहीं मिलने का वहां पर। मिथ्या जगत, मिथ्या जगत की खेचलें, मिथ्या जगत की बातें। अभी इधर इतनी सारी पति वाली बैठी हुई हैं, कौन आनंद में है? देखना एक की शक्ल, ज्ञान से तो आनंद है पर वैसे पूछ के आओ, क्योंकि सुख पति में है ही नहीं। याग्वलक के मुनि को दो स्त्रियां थी, मैत्री और कात्यानी। एक दिन उनको ज्ञान सुनाने बैठा, पता है क्या बताया? कहता है सुख ना तो पुरुष के शरीर में आलती पालती मार के बैठा है, ना ही सुख स्त्री के शरीर में आलती पालती मार के बैठा है, दोनों का भ्रम है। जैसे कुत्ते ने हड्डी चबाई, खून अपने ही जबड़ों से निकला, उसको लगा हड्डी में रस है। पुरुष ने माना स्त्री में रस है, स्त्री ने माना पुरुष में रस है। भाई पुरुष को बोलो विवेक खोल, अगर स्त्री रसदार है तो वो तेरी आकांक्षा क्यों करते? फिर तो स्त्रियां सब बैठी हुई होनी चाहिए, हमें कोई चाहिए ही नहीं। 2 साल देर हो जाए शादी को जान निकलती है, पुरुष चाहिए एक। अब स्त्री को पूछो विवेक खोलो, भाई अगर पुरुष ही रसदार है वो तेरे पीछे काहे हांडता है सारा दिन, तेरे चक्कर क्यों काटता है, तेरा गुलाम क्यों बन जाता है? रस ना उधर है ना उधर है, रस कहां है? रसदार मैं आप हूं, रस मेरी एकाग्रता का परिणाम है,
खुद रसदार होते हुए कितनों की गुलामी, एक टके का रस लेने के लिए, एक विशेष सुख लेने के लिए एक औरत गुलाम बन गई आदमी की, सारी जिंदगी की मोहताज, वो सारा उसका खानदान निभाए जा रही है, रसोई में काम करे जा रही है, बावरचियाणी बन गई, धोबियाणी बन गई, कौन कौन बन गई, एक सुख के पीछे तो बिकी, एक सुख के पीछे गुलामी सही। उसको देखो, अकेले आदमी को थोड़ा कमाए खाए सुखी रहे, एक सुख के पीछे पागल बना, अब सारा दिन स्त्री उंगली पे नचाती है, सारा दिन इच्छाएं हैं उसकी, कितना ही कमा के ले आए कम है, मेरी सहेली के पास ही है मेरे पास नहीं है, अभी मेरे भाई की शादी है हीरे का हार लेके दियो, अभी फलाना करो, अभी टीरा करो, इतनी गुलामी की जिंदगी आखिर स्वीकारी क्यों, कभी सोचा इतनी गुलामी वाली जिंदगी क्यों स्वीकारी, एक टके के सुख के लिए। और मजेदार बात है, शादी होते ही पहले ही दिन पता लग जाता है यही सुख था, कहां फंस गया, इतना सा सुख था बस, घसीटो अब गाड़ी। अच्छा, उसमें भी मन की एकाग्रता ना हो वो सुख भी नहीं ले सकते। आनंद कहां प्रगट है, जब हम अंतर्मुख हैं, अपने से कनेक्टेड हैं, मन के संकल्प विकल्प शांत हैं, जब मन में और कोई इच्छा नहीं है तो आनंद है। अब वो एकाग्रता थोड़ी देर की कहीं भी आ सकती है, जैसे वो एकाग्रता ओम बोलने में आ सकती है, ओम के ध्यान में, वो एकाग्रता सत्संग में आ सकती है, वो एकाग्रता माया में भी आ सकती है, थोड़ी देर के लिए जब तुम्हारा मन और इच्छाओं से खाली है तुम सुख अनुभव करते हो, पर सुख तुम्हारा अपना है, वो किसी का सुख नहीं है, किसी के द्वारा दिया हुआ सुख नहीं है, वो सुख तुम्हारा अपना है, वो सुख तुम्हारी एकाग्रता का है। वही स्त्री जो पति के साथ सुख मानती है विषय भोग को, जब उसके साथ कोई जबरदस्ती करता है तब तो आनंद नहीं आया ना उसको, आया उसको आनंद अब नहीं आया, इसका मतलब अपनी एकाग्रता में रस है। रस होता तो उस समय भी आता ना, उस समय तो दुखी होती है, परेशान होती है, बाद में सुसाइड कर लेती है। सोचो हम कहां भागना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, हम भटके हुए क्यों हैं, हम एमलेस क्यों जी रहे हैं, हम कहां भागना चाह रहे हैं, एक बार जरा अपने से पूछो तो सही। जिस वखर को लैण तू आया, दुनिया में जो तुम लेने आए हो ना, राम नाम संतें दर पाया, संत तुझे समझाते हैं तेरी महिमा, कि तुझे अपने सुख के लिए किसी का गुलाम होने की जरूरत नहीं है, तुझे अपनी शांति के लिए किसी का गुलाम होने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम ऐसे ही ब्लेम कर देते हो दूसरों को, पर सच्चाई तो एक ही है कि हर एक को अपना सुख अपने भीतर से प्राप्त करना है, ना कोई तेरे को सुखी कर सकता है, ना कोई तेरे को दुखी कर सकता है, ना कोई तेरे को शांति दे सकता है, ना कोई तेरे को अशांति दे सकता है, सुखी भी अपने ख्याल से, दुखी भी अपने ख्याल से, शांत भी अपने ख्याल से, अशांत भी अपने ख्याल से। अब तुम लोगों के पास इतना कुछ है तो भी परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, और चाहिए, और एक नागा साधु हैं, नगन रहते हैं, दिगंबर संत हैं, दिशाओं को अंबर मानते हैं, जो राम तीरथ ने भजन गाया, धरती मेरे लिए बिस्तर है, आसमान मेरी चादर है, हर वक्त हंसी हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, जब आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिल लगीरी है बाबा, मन से इन चीजों की परवाह छूट गई, आनंद तो वहीं प्रकट हो जाएगा,
तुम्हारे मन से परवाह तो नहीं छूट रही इन चीजों की, वैल्यू तुम दे के बैठे। और संत के पास तो जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी। रंका बंका जा रहे थे, बड़ा भाई आगे जा रहा था, भगवान ने थोड़ी अशर्फियां गिरा दी कि दोनों सुखी हो जाएंगे थोड़ा। उसने देखा मेरा भाई पीछे आ रहा है, फटाफट अशर्फियों को मिट्टी से ढकने लगा। भाई आ गया पीछे से, भैया क्या कर रहे हो? बोला भगवान भी हमारा छोड़ती नहीं है जान, आज फिर अशर्फियां फैला दी हमारे आगे, तो मैं मिट्टी से ढक रहा था। हंसने लगा, बोला भैया मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे थे? और ऊंची दृष्टि थी उसकी। बोला पड़ी रहने दो ना, मिट्टी को मिट्टी से ढकने की क्या जरूरत है? जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी। विवेकवान पुरुष के लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। जो अपनी महिमा को जानता है, संसार में किसी और को महिमावान जान ही नहीं सकता। ज्ञानी के आगे बड़े से बड़े महिमावान धन्ना सेठ को ले आओ, किसी बड़े मंत्री संतरी को ले आओ, ज्ञानी जानता है मेरे से ऊंची महिमा नहीं है इसकी। और अगर इसको भी अपनी सच्ची महिमा जाननी है, यहां बैठे मेरी शरण ले, मेरे को सिर देवे, तो मैं इसको जनवाऊं कि तेरी असली महिमा कुछ और है, ये तेरी महिमा नहीं है। कौन है महिमावान तुम बताओ? देश का राजा होवे, बड़े से बड़ा कोई मिनिस्टर होवे, वो महिमावान है, ब्रह्मज्ञानी महिमावान है, जिसने अपने आप को जाना है, जिसने अपने स्वरूप का पता पाया है, जो जागा है, कौन महिमावान है? विचार करो। तुम यूं ही भाग रहे हो, यूं ही भाग रहे हो, कोई अर्थ ही नहीं है जहां पर वहां भागे जा रहे हो। हासिल कुछ नहीं होने वाला, हासिल थीं दी है हैरानी। दुख सुख आ जाए हैरानी लगेगी, करोड़ रुपया देना चाहता हूं तो भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, हैरानी लगेगी। यही संबंधी बनाए, मैं इनके पीछे भागा दौड़ा, बच्चों के लिए जवानी ख्वार कर दी सारी, कांधी ना आया कम, कंधा देने के लिए भी सोचेंगे हम इतनी दूर आए क्या, अब तो जो होना था हो गया, आप लोग संस्कार कर दो, लाख रुपया खर्च हो जाएगा, 2 लाख खर्च हो जाएगा, कंधा देने के काम भी नहीं आते। क्या है नजारा दुनिया का, ढेर बालू के सिवाय मिलता क्या है दुनिया से, बस बेकरारी के सिवाय। बेकरारी, निराशा, ना उम्मीदी, ये परिणाम है संसार में भटकने के। संतों के पास है मक्खन, दुनिया में खट्टी लस्सी है। विवेकानंद कहते हैं मौसमी का जूस निकाल के तो मैंने पिया, लोग तो छिलकों पे ही लड़े जा रहे हैं। यही सच है, संतों के पास है मौसमी का जूस, छिलकों पे पता नहीं क्यों लड़ाइयां चल रही हैं दुनिया में। क्या हासिल करना चाहते हैं? कुछ है ही नहीं। किसके पीछे भागते? सुंदर स्त्री के पीछे भागते, 4 दिन बाद बुढ़ी हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, मर जाएगी, रख लो, रख लेते। देखा स्त्रियों को पार्लर और ये सब क्यों आधार लेने पड़ते हैं? बुजुर्ग दिखने लगती हैं तो आदमी का ध्यान हटने लगता है, उसको अपने में अट्रैक्ट करके रखने के लिए, बांध के रखने के लिए बड़े बड़े यतन जताती हैं कि हम बुढ़ापे में भी सुंदर दिखें, उम्र से भले कहीं जाएं तो बाप बेटी लगें। आदमी लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो चलते हैं, पर स्त्रियां उनको बांध के रखने के लिए प्रयास करती हैं। पर फिर भी कितना, फिर आखिर क्या, शरीर तो हद वाला है, म्याद है ना इसकी। और इंसान की अपनी भी एक म्याद है, एक समय मन हर चीज से हटता है, भोगों से भी हटता है, सुखों से भी हटता है, एक समय अपना शरीर ही इतना दुखों का सामान बन जाता है, इंसान दूसरे को देखने की फुर्सत कहाँ है, अपने में ही लगा रहता है सारा दिन।
60-70 साल के बाद देखो, सारा दिन अपनी दवाइयां याद हैं, गोलियां याद हैं, दर्दें याद हैं, मालिश पालिश याद है, किसको बीवी की परवाह। बीवी रोटी दे दे, नौकरानी दे दे, बहू दे दे, जिसने रखना है रख दे, छुट्टी हो गई। हद वाली चीजें बनाई हैं भगवान ने दुनिया में, बस तुम्हें हद नहीं दिखती जब तक पगलाए रहते हो इसके पीछे भाग, इसके पीछे भाग। अपने शरीर से अपना प्यार नहीं रहता, भगवान ने व्यवस्था की है। जब ये ज्यादा दुखी करता है, लगता है ले भगवान मेरी जान छुड़ाओ, उठा लो इसको, ये भी तंग कर देता है एक समय, इससे भी वैराग आ जाता है। वैसे कोई दे छोड़ना ना चाहे, लेकिन ऐसी व्यवस्था है इस प्रकृति में। बुढ़ापे में इंसान मौत मांगने लगता है, ज्यादा बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर कोई टीका लगा दो, फॉरन में तो है भी सही, मर्सी किलिंग कहते हैं, कि जो बहुत शरीर से दुखी है बेचारे को लगा दो टीका, एक जाए छुट्टी करे। बताओ किसके पीछे भाग रहे हो। नानक जी ने आकाशवाणी हुई, नानक कुछ मांग, कहता है क्या मांगो, कछु थिर ना रहा है। जो स्थिर वस्तु है मेरा अपना आप, वो मैंने पा लिया। तेरी दुनिया में स्थिर क्या है, जो मैं मांगू क्या मांगू, मांगने जैसा कुछ समझ ही नहीं आता है। तो क्यों पागल बने हो दुनिया के पीछे, क्यों भाग रहे हो मिथ्या के पीछे, क्यों अपनी महिमा को नहीं जान रहे हो। देखा पागल सब संसार, सब पागल हुए, पर असली कौन पागल है। हरी भगत भी पागल देखे, गोविंद के मतवाले, पिए पिलाए प्रेम का प्याला, बैठे जगत विसारे। मैं मांगू वो ही पागलपन, उतरे नहीं खुमार। तुम सब जगह फेल हो ना, तुम यहां आ जाओ तुम हर जगह पास हो जाओगे। हमारे गुरु के पास पागल पागल लोग भी ठीक हो गए। डिप्रेशन की लड़कियां आती थीं, भगवान उनको प्यार करके ज्ञान सुना के ऐसा सेवा में लगा देते थे, सबसे सियाणी घर में वही लगती थी, सारा दिन हिसाब रखती थी एक एक चीज का। हम लोग बोलते थे देखो गुरु की मेहनत, संसार में धिक्कार मिलेगा, भगवान के पास धिक्कार नहीं। जितने वेस्ट हैं संसार के हमारे यहां बेस्ट हो जाते हैं। ले आओ तुम, तुम मानते हो ना दुनिया में तुम बेकार हो, तुम आ जाओ। सच्चे मन से आना, ईमानदारी से आना, उसके बाद देखो भगवान तुम्हें क्या बना देता। मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया, खोला जो खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। दुनिया में धिक्कार है या स्वीकार है, आके बैठो, पर ईमानदारी चाहिए, सच्चे मन से बैठो, फिर भगवान के सिवाय कहीं देखना मत आंख उठा के। सतगुरु करे आप सम्मान, ये गुरु की महिमा है कि वो तुम्हें आप सम्मान बना देता है, आप सम्मान तैयार कर देता है। पर तुम दो दो चीजें मन में रखो ना, योग भी मिले भोग भी मिले, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, सज्जा जीता जागता भगवान तेरे भीतर है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति तेरे भीतर है, बस जागृत करने की देर है। तू छोटी मोटी चीज नहीं है, तू ही शिव, तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तुम सोच रहे हो मैं ये दे हूं, मैं 5 फुट की दे हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरे मां बाप हैं, इतना मैं पढ़ा लिखा हूं, सब झूठ, ये दे की बात है। अपनी बात कर, तेरा आदि स्वरूप क्या है, तेरा सत स्वरूप क्या है, कितनी शक्तियों के तुम मालिक हो, कितनी विभूतियों के मालिक हो, कितने ऐश्वर्यवान हो, ये गुरु बताता है। दुनिया में कोई नहीं बता सकता, गुरु बताएगा। रोज गुरु बैठ के तेरे सिराने तेरी महिमा गाता है,
अरे मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हर जी तेरे नाल है, गुरु मति रंग माण। गुरु की मति का रंग लगाओ, तुम खुद ज्योत स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। एक बार रियलाइज करो, अपने आप को रियलाइज करो। ये देह का चोला हटा दो बीच में से, पीछे देखो तू कौन है, इस शरीर के सिवाय तू कौन है, अपना मूल पहचान। समझ मन दर्शन यही भगवान। मूल स्वरूप को नहीं पहचान रहे हो, इसीलिए धोखा हो रहा है बार बार, तभी बार बार भटकन हो रही है, मन बार बार बाहर सुख लेने चला जाता है। मेरे को भी ये चाहिए, मेरे को इसके पास ये चीज है ना, ये सुखी है, इसके पास है ये सुखी है। सुखी केवल संत है जगत में, सो सुखिया जिस नाम आधार। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसको एक सत्य का आधार है, जिसको पता है आद सत जुगाद सत है भी सत, नानक ओसी भी सत, और वो सत स्वरूप आत्मा मैं हूं। तीनों कालों में मैं आत्मा सत हूं। जिसको ये सत का आधार है सो सुखिया। सुख स्वरूप आत्मा को जानने वाला सुखिया। बाकी जिसने सुख स्वरूप आत्मा को जाना नहीं, वो सुखिया हो नहीं सकता, वो दुखिया रहेगा, अशांत रहेगा, परेशान रहेगा, हलचल में रहेगा। सोई गुरु जो महिमा सुना रहा है तुम्हारे स्वरूप की, कितनी ऊंची बात कह दी भगवान ने, ना लय ना समाधि। अष्टावक्र गीता का श्लोक है वैसे तो, पर सोचो हमारी इतनी ऊंची स्थिति गुरु चाहता है ना। कितनी ऊंची बात बता रहे, लय और समाधि भी तुझ आत्मा में नहीं, और तुम चले रहते हो मैं ना मन के ख्याल लय करता हूं, मैं ना ऐसे करता हूं। अरे अपने को जान, ये सब चीजें छोटी रह जाएंगी। अब हम बड़े हो गए, बाजार से निकल भी जाएं, बच्चों की खिलौने की दुकान है, कुछ है, अब लॉलीपॉप देख के दिल करता है, रोते हो, अब गुड्डे गुड़िया लाने का मन करता है, बड़े हो गए। जिस दिन अपनी विराटता विशालता अनुभव में आ जाती है, ये सब माया तो बहुत छोटी रह जाती है, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ठोकर लगाने को जी चाहता है, ठोकर मार के बढ़ जाता है ज्ञानी आगे। तुम भी ठोकर लगा के बढ़ो आगे। ये सारा दिन बैठ के लय समाधि का खेल भी नहीं खेल सकते। मन में बातें उठे, हम लय करें बातें, तो एक आत्मा का निश्चय दृढ़ कर लो, ये लय वाला झंझट खत्म हो जाएगा। सारा दिन मनोलय नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ? हाँ सही बात है। गुरु के ज्ञान से रोज रोज अपने अंदर निश्चय बढ़ता है, खुनकी बढ़ती है, पावर आता है। बहुत ही अच्छी वाणी थी, बहुत मोटिवेशनल। और ये सही है कि लय करना नहीं पड़ता आत्मा में, बस एक बार उसमें डूब जाओ, निश्चय करो, उसके बाद नहीं लय करना पड़ता, ये सही है। और जो आपने कहा ना कि जो अपने स्वयं से जुड़ जाता है वो एनर्जेटिक फील करता है, उसमें फिर देह अध्यास ये नहीं है, एज फैक्टर नहीं है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, ये मैंने नोटिस किया है, चीज़ है ये। और क्योंकि करता भाव ही नहीं आता। हाँ। अज्ञान में इंसान गिनती करता था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतने बजे से उठा हूं, अभी गिनती नहीं होता जा रहा है सहज। एक समाधि है ना, तो उसमें कुछ आभास ही नहीं है आपको। पर बहुत अच्छा पूरा कि सच में जगत एक मिथ्या जगत है, इसमें एक मृग तृष्णा की तरह ढूंढ रहे हैं, पर है नहीं सुख। सुख सच्चा परमात्मा की शरण में ही है और कहीं नहीं। बिल्कुल राइट, थैंक यू।
फिर किसी से विक्षेपता, किसी से उलझन, क्योंकि अपने में डूबे ही नहीं है आनंद में। हाँ मैचिंग कहाँ है बताओ। सोने में कांच नहीं डलवाओगे ना, फिर अपनी भी तो मैचिंग देखो, तुम्हारी मैचिंग कहाँ है। हरिओम भैया, बहुत अच्छा लगा पूरी वाणी। मुझे याद है एक बार हरिद्वार में आपने ऐसा ही वाणी की थी, तो मैंने ये बोला था कि आप जितना आसानी से उस स्थिति पे हम लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, समझ तो आ जाती है, पहुंच नहीं पाते। तो आपने बोला था पहुंचना भी क्यों सोचते हो, पहुंचना कहाँ है, यू आर दैट। पहुंचना भी सोचोगे तो मार्ग ढूंढोगे, और कल मैंने कहा था सत्य का कोई मार्ग नहीं है, पहुंचने जैसा कुछ है ही नहीं। अभी का अभी निश्चय करो, अभी तुम ब्रह्म हो, बात खत्म। जी भैया, बस उसमें यही था कि स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हाँ तो वो आज स्थिति भी नहीं है, बस एक पलटा खाओ, एक निश्चय करो, बस बुलिया रबदा की पामना, इधरों पट के अदर लावना, बस। अभी तक मान के आयो मैं डॉक्टर फलाना हूं, अब निश्चय करो आई एम दैट, बात खत्म। आज कह सकता हूँ भैया अहम ब्रह्मास्मि। हाँ डॉक्टर साहब यहाँ मर गए और ब्रह्म हो गया। वैसे भी तो जब कोई मरता है तभी राम होता है, तभी प्रणाम करती है दुनिया उसको, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। हाँ क्योंकि हम अपनी महिमा को खुद ही नहीं जानते, हम अपने आप को इतना सस्ता बना देते हैं कि कोई भी हमारी बेइज्जती करता जाता है, आता जाता हमारी बेइज्जती कर जाता है, हम खुद ही इतने सस्ते हुए बैठे हैं। गलती तो हमारी है, सामने वाले की तो गलती भी नहीं है, उसी बड़प्पन में रहने का है। हाँ हाँ कोई भी बात नहीं कर सकते, एक चीज की नहीं, कोई भी बात नहीं कर सकते, मौन भी सहज है, कुछ बचता ही नहीं है, फिर आत्म विचार के बाद कुछ नहीं बचता है। विवेक गुरु पहचान कराता है, पहचान पत्र मिलता है गुरु से, आधार कार्ड। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, 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 बुद्धि को मिटाने को जी चाहता है, बुद्धि को मिटाने को जी चाहता है, बुद्धि को मिटाने को जी चाहता है, बुद्धि
का दरिया राम जी की मोहब्बत का दरिया उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है 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 तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है हकीकत दिखा दो हकीकत वाले 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 हकीकत को पाने को जी चाहता है 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 तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा 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 ये हर शय लुटाने को जी चाहता है 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 मेरा दर्श पाने को जी चाहता है मेरा दर्श पाने को जी चाहता है गमे जुस्त जुदे जुदा करने वाले 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 तेरे पास आने को जी चाहता है 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 मेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है मेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है मेरा डूब जाने को जी चाहता है मेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है पिला दो मुझे जाम भर भर 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 पिला दो ये हस्ती मिटाने को जी चाहता है 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 मेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा
जमाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पुकारो मेरा नाम ले ले पुकारो, पुकारो मेरा नाम ले ले पुकारो, पुकारो मेरा नाम ले ले पुकारो, पुकारो मेरा नाम ले ले पुकारो। अगर फिर बुलाने को जी चाहता है, 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 मेरा दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है। उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया, उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया, उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया, उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया। मेरा डूब जाने को जी चाहता है, 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 मेरा दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, हस्ती मिटाने को जी चाहता है, हस्ती मिटाने को जी चाहता है, तुम्हीं में समाने को जी चाहता है, तुम्हीं में समाने को जी चाहता है। उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया, उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया, उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया, उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया। मेरा डूब जाने को जी चाहता है, 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 मेरा दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है।